हेलो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बड़े आगे के तरीके से। सो दोस्तों, मैं आज रिएक्ट करने वाला हूं आप लोगों के साथ मनीष रानी की जो न्यू सॉन्ग है जमुना पार, तो उस सॉन्ग के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। और रवि कक्कड़ और मनीष रानी की जो केमिस्ट्री है वो भी देखने वाले हैं कि कैसा लग रहा है इस गाने में। तो देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। पोएटिक रेवेट यूट्यूब चैनल में ये गाना डाला है तो देखते हैं। चलो 3 2 1 पोएटिक रेवेट। ओके, एक राजा महाराजा वाला फील आ रहा है। मतलब मनीष रानी जमुना पार उनकी लंबी मोटर कार बैठी सज धज के लेने ये सॉन्ग टोनी कक्कर का टिपिकल सॉन्ग जैसा है वैसा ही है। हाँ, ये देखो मनीष रानी आए। हाय, क्या लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। ये गाना मॉडर्न लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, पर मैं मेलोडी सुनता हूँ। टोनी कक्कर के और गाने जो है जिंदगी बता दे तू, ऐसा वाला गाना मुझे अच्छा लग रहा है। या फिर मेलोडी मिले हो तो नाम कैसा वाला। मनुष्य ने बहुत बढ़िया लग रही, बढ़िया बढ़िया। मैं तो मनीष रानी के लिए ही देख रहा हूँ। मतलब बांसुरी का जो आवाज है, ओ हो, हाय हाय। सो मुझे ये गाना बहुत ही मजेदार और अच्छा लगा। और इसके जो पर्कशन थे, मतलब इसके जो बैकग्राउंड में म्यूजिक थे, जितना कि ड्राम हो या फिर जो बांसुरी हो या फिर जो भी कुछ था, मतलब मुझे उतना पता नहीं है, पर जो पीछे से जो एक आवाज, एक मतलब बैकग्राउंड सॉन्ग चाहिए था इस गाने के ऊपर वो था। और मनीष रानी का तो लटका झटका मटका ये सब भी था। और ये तो है वीडियो का रिएक्शन और रिव्यू। अभी मैं आता हूं अभिषा। अभिषा के बारे में कुछ मुझे बोलना है। हाँ, अभिषा मतलब अभिषेक एंड मनीषा, तो वो दोनों ही इंडिविजुअल बिग बॉस में आए थे, इंडिविजुअली अकेला अकेला आए थे। सो फिर बिग बॉस में मिले। ओके, बिग बॉस में मिले तो वो लोग अभी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और आप लोग दोनों को ही बहुत प्यार करते हो, इसीलिए उनके दोनों को नाम को जोड़कर अभिषा कर दिए। ओके, सो अभी मैं यही कहना चाहता हूं कि हाँ, अभिषा मतलब आप दोनों को एक साथ देखना चाहते हो, पर अगर वो इंडिविजुअली आए थे तो वो काम भी इंडिविजुअली करेंगे, सब काम तो एक साथ नहीं होगा प्रोफेशनली। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि मतलब आप लोग अभिषेक को भी, जब वो इंडिविजुअली काम कर रहा है किसी और के साथ तो उसको भी सपोर्ट कीजिए, और जब मनीषा भी काम कर रही है किसी और के साथ तो उसको भी सपोर्ट कीजिए। दोनों को ही इंडिविजुअली सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप दोनों को ही प्यार करते हो, इसीलिए आप अभिषा फैन हो। और मुझे सभी अच्छे लगते हैं, अभिषा भैया। तो मैं ये सब इसीलिए बोलना चाहता हूँ कि आप लोग हैशटैग, हाँ आप लोग अभिषा फैन हो या अभिया फैन हो, मुझे एक ही बात कहना है कि जब भी वो लोग अकेले काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल किसी और के साथ प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर सपोर्ट कर रहे हो उनको, इंडिविजुअली करो। और मतलब इतना लड़ो मत, क्योंकि वो लोग अच्छे से ही रह रहे हैं, तो हम लोग क्यों वैसा लड़े। तो यही बात मैं कहना चाहता था। वैसे अगर आप लोग मुझे लाइक करते हो या फिर मेरे जो रिएक्शन रिव्यू है आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आप लोग भी मेरे साथ झूम रहे थे रिएक्शन में,
तो आप भी मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो कि आपको कैसा लगा एज ए अभिषा फैन, एज ए मनीषा फैन, आप लोगों को ये कैसा लगा आप बताइए।